20 से भी ज्यादा एमिनिटीज के साथ 1, 2 और 3 BHK अवेलेबल है। शहर के बीचों बीच बन रही DZ सिटी, बुकिंग चालू है और DZ सिटी का काम भी तेजी से चालू है। राउंड प्लस 2 कमर्शियल और मुमरा के सेंटर पॉइंट के साथ DZ सिटी आपके लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनता है। ज्यादा जानकारी के लिए दिए गए नंबरों पर कॉल करें या उनकी सेल्स ऑफिस विजिट करें। राखी सावंत आदिल दुर्रानी टकराव में नया ट्विस्ट, भाई राकेश सावंत ने लगाया घर पर गुंडे भेजकर धमकाने का आदिल पर आरोप, कहा हिंदू लोगों के घरों में घुसकर ये जो करना चाह रहे हैं। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मॉडल अभिनेत्री राखी सावंत, उनकी शादियां और हमेशा उनसे जुड़ी हुई कंट्रोवर्सी, उनसे जुड़े हुए विवाद, उनके हाल ही के पति जिनके खिलाफ उन्होंने ओशिवरा पुलिस स्टेशन में शादी के बाद डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत केस भी दर्ज कराया था, और आदिल जो है जेल भी गए, जमानत पर रिहा हुए, और उसके बाद आदिल ने भी उन पर कई सारे आरोप लगाए थे। उसी दौरान एक टीवी शो में राखी ने कुछ उनके और आदिल के बेहद अंतरंगता के जाति तौर पर किसी को भी नहीं दिखाई जा सकते ऐसे वीडियोज टीवी शो पर दिखाए, और उसी के तहत आदिल दुर्रानी ने राखी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। अब उस मामले में राखी की अग्रिम जमानत की अर्जी जो है दिंडोसी सेशन कोर्ट ने खारिज कर दी है, जिसके चलते अब राखी पर गिरफ्तारी का खतरा मंडरा रहा है। दोनों का टकराव पिछले साल भर से चल रहा है, उस बीच राखी ने इस्लाम कबूलने की बात भी कही और फिर उमरा जाकर के आने का भी, उन्होंने किस तरह से वो उमरा गई और जाकर आई है ये भी बताया है। बहरहाल मगर इस पूरे मामले में अब एक नया ट्विस्ट आया है, और ये नया ट्विस्ट एक तरफ से हिंदू मुस्लिम एंगल का भी है तो दूसरी तरफ आपराधिक एंगल भी है। राखी सावंत के भाई है राकेश सावंत, राकेश आनंद सावंत, इन्होंने ओशिवरा पुलिस स्टेशन में एक शिकायत दर्ज कराई है कि वो घर पर नहीं थे, फिल्म की शूटिंग पर गए थे, उसी दौरान एक सफेद गाड़ी में कुछ लोग आए, जबरन वॉचमैन से गेट खुलवाकर अंदर आए, ऊपर फोन करवाया घर पर, राकेश को बुलाओ, राखी को बुलाओ, और उनकी पत्नी को भी जो है उन्होंने धमकाया कि देख लेंगे, ये राकेश की गाड़ी हमें दे दो, ऐसे कई तरह के उनके आरोप है, और इसकी उन्होंने ओशिवरा पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है, वो भी सीसीटीवी फुटेज देते हुए। वो सीसीटीवी फुटेज भी हम आपको दिखा रहे कि जिन लोगों के अपने बिल्डिंग में आने का दावा राकेश सावंत कर रहे हैं उनके सीसीटीवी फुटेज उन्होंने बताया है कि वो 4 लोग थे, फिर 2 लोग बाइक पर भी आए हैं और उनकी बिल्डिंग के नीचे के परिसर में प्रीमाइसिस में वो घूम फिर रहे हैं और सब बातचीत कर रहे हैं। बहरहाल और उसके बाद इस पूरे मामले को लेकर राकेश सावंत ने अपना एक बयान भी दिया है, इस बयान को हम आपको बता रहे, लगभग 3 मिनट से ज्यादा का उनका यह बयान है, और इस बयान में उन्होंने कहा है कि भारत के हिंदुस्तान के तमाम हिंदू लोगों को वो बताना चाह रहे कि ये कैसा, ये लोग हिंदुओं के घर में घुसकर क्या करना चाह रहे हैं। यानी कि राखी सावंत के मामले में जब कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने पहले आदिल दुर्रानी से शादी करने के बाद और दोनों में टकराव होने के बाद एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप और केसेस करने का सिलसिला होने के बाद लव जिहाद का आरोप लगाया था हिंदुत्ववादी संगठनों ने, अब उसी को कहीं ना कहीं हवा दी जा रही है राकेश सावंत द्वारा। अब देखिए ये टकराव, ये नया ट्विस्ट इस टकराव में जो आया है, जो राकेश सावंत ने लाया है, अब ये क्या रंग खिलाता है और क्या गुल खिलाता है। नमस्कार, मैं हूँ राकेश सावंत, राकेश सावंत का भाई। मैं कभी पब्लिसिटी के लिए ये सब करता नहीं हूँ, जो आज आदिल इतना गिरा जा रहा है, आदिल ने इतनी गिरी हुई हरकत की है, आज राखी को परेशान करने की, एक चोरी करने की। मैं ओशिवरा में रहता हूँ, 10 तारीख को मैं शूटिंग पे था और उस दौरान आदिल ने, जो आज बहुत बड़ा भाई बोल रहा है अपने आप को, उसने 4 गुंडे भेजे ऑडी गाड़ी में, जो मैंने मीडिया को पूरी वीडियोस दिखाए, मेरे घर पर भेजे, मेरी बिल्डिंग के नीचे भेजे, और उन्होंने वॉचमैन से बदतमीजी की, वो जबरदस्ती गाड़ी घर बिल्डिंग में लाए, घुसे, वहाँ से उन्होंने मेरी गाड़ी का फ़ोटो खींचा, मेरी बिल्डिंग का फ़ोटो खींचा, फ़ोन किया वॉचमैन को, बोला कि राकेश को नीचे बुलाओ, राखी को नीचे बुलाओ, फिर जब वॉचमैन ने उनको धक्के मारकर बाहर निकाला, वो बाहर गए नहीं, वो बाहर से उन्होंने फिर से गाड़ी में जाकर कुछ लोगों को फ़ोन किया, फिर 2 लड़के आए बाइक लेकर, वो घुसे बिल्डिंग में, उनके हाथ में हथियार थे, उनके हाथ में बैग में बहुत सारी चीज़ें थी,
वो बार बार बोल रहे थे कि राखी को बुलाओ और राकेश को बुलाओ, और परेशान कर रहे थे और गाड़ी चोरी करने की कोशिश कर रहे थे। इतनी गिरी हुई हरकत आदिल कर सकता है? औरत के घाघर में बैठकर, औरत को यूज़ करके आज जो उसने हरकत की है, ये सारा वीडियो और एविडेंस मैंने ओशिरा पुलिस स्टेशन को दे दिया है। सारे वीडियोस और सारी चीज़ें मैंने दे दी हैं। पुलिस पूरी अपनी तफ्तीश करेगी, ओशिरा पुलिस अपना काम कर रही है। मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द ये सारे लोग गिरफ्तार हो और आदिल गिरफ्तार हो और उन पर ये कार्रवाई की जाए कि दिन दहाड़े मेरे को और राखी को और हमारी फैमिली को टॉर्चर करने के लिए और दिन दहाड़े गाड़ी चोरी करने के इल्ज़ाम में। मैं चाहता हूँ कि मीडिया ये सब देखे, हिंदुस्तान के लोग देखें, जो हमारे हिंदू लोग हैं आज उनके घर में घुसकर ये लोग जो करना चाह रहे हैं वो आप देख रहे हैं। मैंने वीडियो सारा शेयर कर दिया है। ये लोग हमें ना जीने देंगे ना रहने देंगे। और अब बहुत बड़ा भाई अगर तू तो सामने आ, औरतें जैसे औरतों को लेकर ना घुमाकर मीडिया में। तेरे पब्लिसिटी के लिए तूने जो किया राखी के साथ, जो तूने हरकत की, जो तूने राखी को जिस तरह से मारा, आज जो सारे केसेस हो रहे हैं तेरे पर, जो जो तूने हरकतें की वो तो पुलिस और गवर्नमेंट और हमारी जो कस्टडी है और लॉ है वो तुझे सज़ा तो देगी देगी। और आज की ये जो तूने हरकत की है तो मुझे ज़रूरी था दिखाना और बोलना कि आज अगर मेरे घर में घुस सकता तो राखी के हक कैसे साथ उसने क्या क्या किया होगा। तो मैं निवेदन करता हूँ पुलिस को, एसीपी साहब को, डीसीपी साहब को, मुंबई कमिश्नर को, हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हमें इस आदिल से बचाइए जो राखी के पीछे है, हाथ धो के पीछे पड़ा हुआ है। अपनी पब्लिसिटी और अपने आप को जो प्रूव करना चाह रहा है वो तो कोर्ट तो बता ही देगी बहुत जल्द, लेकिन आज जो ये हरकत की है इसकी तक से तक कार्रवाई की जाएगी।